हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इनसाइड एग्रीकल्चर में। और आज मैं आया हूं अपने गांव में और आप देख सकते हैं कि क्या ही खूबसूरत ये नज़ारा है। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि गेहूं की फसल लगी हुई है, उसके बाद बरसम की लगी हुई है और गेहूं और बरसम के बीच में आप देख सकते हैं कि एक लाइन लहसुन की लगी हुई है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एक ही खेत में मल्टी क्रॉपिंग करते हैं तो इसकी मदद से कई सारे ऐसे इंसेक्ट और कीड़े हैं जो रुक जाते हैं, क्योंकि कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं कि जो आपकी मेन क्रॉप्स पे कीड़ों को आने से बचाती हैं। और दोस्तों, लहसुन को अगर आप अपनी ज़मीन पे लगाते हैं तो इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। और इसके साथ ही ये बरसम, ये साइंटिफिक फैक्ट है कि अगर किसी जगह पर आप बरसम लगाते हैं तो उस खेत के उस रीजन में अगर आप नेक्स्ट क्रॉप लेते हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। क्योंकि दोस्तों, बरसम की जो जड़ें होती हैं उसमें नोड्यूल्स होते हैं जिसमें राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो आपकी हवा के नाइट्रोजन को प्लांट्स के लिए कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी जानकारी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसी ही अपडेट पाने के लिए आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।